ये जदीद यूनिवर्सिटीज का हदफ है और इस्लाम का हदफ है इल्म के साचे में खुद अपने आप को इस्तेमाल करना। फर्क है, मालूमात को अपने दुनियावी अगराज व अहदाफ के लिए इस्तेमाल करना अलग नुक्ते नजर। इस्लामी नुक्ते नजर यह है, फिकही नुक्ते नजर यह है कि अपने नफ्स का इस्तेमाल करना है इल्म की रोशनी में, खुद अपने आप को ढालना है। इसी अपने आप को इल्म की रोशनी में या इल्म के सांचे में ढालने का नाम है तफक्कुह। तफक्कुह, ये सेगा जो है तफक्कुह, ये जिस बाब से आया है अरबी जबान में, अरबी सर्फ में, अरबी ग्रामर में, ये सेगा, ये वजन उस लिए आता है कि अपने नफ्स को ढाला जाए, अपने नफ्स को ढाला जाए। तफक्कुह, वैसे लफ्ज फिक्र और फिक्र की बहस कल आई थी कि फिक्र और फिक्र में क्या फर्क है। एक फर्क तो कल वाजह किया था, एक फर्क आज वाजह कर रहा हूं। आम लुगात में जिन लुगात की बुनियाद ज्यादातर सर्फी बुनियाद होती है इल्म सर्फ पर, उसमें अल्फिक्हो फिल लुगत अल्फहम वे फिक्रा मिल जाएगा आपको। लेकिन अरबी जबान के एक बहुत ही अजीजुल कद्र और अजीमुशान जबानदां इब्न फारिस ने, कि जिसकी तन्हा किताब इल्म इश्तिकाक में आज तक अव्वल व आखिर का दर्जा रखती है, उसने लिखा है कि अल्फा वल्काफ वल्हा असलुन वाहिद यदुल्लो अला इदराक शैए वल इल्म बिही। फे काफ और हा ये एक असल है और ये दलालत करता है किसी शय के इदराक पर और उसके इल्म पर। फिक्र वसीला इल्म है, फिक्र ऐन इल्म है। जरूरी नहीं है कि फिक्र मुंतिज हो इल्म पर, फिक्र पहुंच ही जाए इल्म तक। फिक्र सिर्फ उस जौलानी फिक्र का नाम नहीं है बल्कि फिक्र हुसूल इल्म का नाम है। असल लुगवी है ये। यह और बात है कि हमारी जो टेक्निकल डिफिनीशन है उसमें दोनों पर, चार रकात नमाज में कै मिनट सर्फ होते हैं? चार मिनट, बहुत अच्छी करत से पढ़ी तो छह मिनट, मुस्तहब्बात का इजाफा कर लिया तो आठ मिनट। आठ मिनट या चार मिनट खातिर जमी के साथ नहीं पढ़ सकते नमाज, यानी तवज्जो रखिए, किसी से गुफ्तगू करने में जहन भटक जाए और बात है, तकरीर कर रहे हैं बहुत बड़ा मजमा है जहन भटक जाए और बात है, कोई और मशगूलियत है बाजार में खड़े हैं जहन भटक जाए और बात है, तन्हा आप हैं और कोई नहीं। आप तन्हा अपने आप को समेट के चार मिनट नहीं खड़े हो सकते? क्या बेचारगी है, क्या बेबसी है, क्या नाताकती है, किस जहानत पर गुरूर है? भाई दस आदमी हो और उसमें जहन पराकंदा हो जाए, फिक्र परेशान हो जाए तो एक बात है, दो रकात नमाज में भी शक आ जाता है और तीन रकात में भी और चार रकात में भी, जबकि तन्हा आप हैं और कोई नहीं, आप हैं और आपका खुदा, खुदा भी आपसे गुफ्तगू करता है तो इस लहजे में कि आप उसकी आवाज सुनकर
मुकद्दर ना हो। खुदा हमतन गोश है और आप उसको अपनी आवाज सुना रहे हैं, क्या मकाम एजाज है। देखिए यहीं पर ठहर के एक जुमला कहने का जी चाहता है। बहुत से लोग इश्क खुदा का दम भरते हैं, मारिफत का दम भरते हैं और न खुद नमाज पढ़ते हैं और न अपने मुरीदों को नमाज पढ़ने की तरगीब देते हैं, बल्कि कह देते हैं कि नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, रोजा रखने की कोई जरूरत नहीं, शरीयत की पाबंदी की कोई जरूरत नहीं। नमाज है क्या? अरे कैसा इश्क है कि आपका माशूक तलब कर रहा है और जाने को तैयार नहीं। किसके आशिक हैं? खुदा के आशिक हैं। आशिक तो माशूक को अपनी आवाज सुनाने के लिए तड़पता है, अपनी बात माशूक तक पहुंचाने के लिए तड़पता है, उसको देखने के लिए तड़पता है, उसकी आवाज सुनने के लिए तड़पता है। माशूक जवाब नहीं देता फिर भी नामे पर नामे लिखे जाते हैं। इश्क सच्चा हो तो कभी रकीबे रूसिया को भी कासिद बना लिया जाता है। नासिर जैदी साहब तशरीफ फरमाए, गजल के शायर हैं, ये मुआमलात तो इनसे पूछिएगा। रकीबे रूसिया को कासिद बना लेते हैं, किसी सूरत से हमारी बात माशूक तक पहुंच जाए, किसी सूरत से हमारी दरख्वास्त महबूब तक पहुंच जाए। और यहां आपका जो महबूब और माशूक है वो बुला रहा है फर्दन फर्दन एक एक आशिक को, आओ और इश्क का सबूत दो, आओ। तुम हमारी आवाज नहीं सुन सकते, तुम आशिक हो मैं माशूक हूं, तुम्हें मेरी आवाज सुनने की ललक होनी चाहिए मगर मुझे तुम्हारी आवाज सुनने का इश्तियाक है। मामला बरक्स है, माशूक महबूब आवाज सुनना चाहता है बंदे की। भाई जब किसी से मोहब्बत होती है तो उसका नाम लेने का जी चाहता है, नाम जपता है आदमी। माशूक का नाम बार बार लेने से लुआब दहन शीरी हो जाता है। कोई सच्चा इश्क करके तो देखे। ये जुमला मैं बराबर कहता हूं, इंसान पैदा हुआ है इश्क करने के लिए, इंसान पैदा हुआ है इश्क करने के लिए, इश्क कीजिए। माशूक का नाम जबान पर आता है तो लुआब दहन शीरी हो जाता है। वो माशूक है आपका, आप आशिक हैं, वो कहता है कहो अल्लाह अकबर, ही कहते हैं मैं तो नहीं कहूंगा अल्लाह। वो कहता है मेरा नाम लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, सब मेरा नाम है, मेरी तारीफ है, मेरी हमद है, मेरी सना है। ये कैसा आशिक है कि अपने माशूक की हमद सना और तारीफ भी नहीं करना चाहता। नमाज क्या है सिवाय सना इलाही के? नमाज की तारीफ ये है कि नमाज सना इलाही है, सना इलाही। अपने माशूक की तारीफ नहीं करना चाहता, ये कैसा आशिक है? ये आशिक नहीं अय्यार है। आशिक नहीं है। बहरहाल जो लोग पढ़ते हैं, बात तो उनकी हो रही थी कि आप नमाज पढ़ते हैं, खुदा आपकी आवाज सुन रहा है, क्या एजाज का मकाम है, क्या इफ्तिखार का मकाम है। आजकल हजरत जरदारी प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, हमने तो यही सुना है कि हर सरबराह को हजरत कहा जाता है चाहे जैसा भी हो। मैंने अगर जरदारी साहब को कहा तो नाराज ना होइएगा।